के नाम पर कितना दिन लड्डू बांटिया डाको। अरे राम को मानता तो जय श्री राम नारा लगा के हथियार लेके घूमता। कहते हैं सीता को कैसे ब्लेम लगाया, कहाँ था मीडिया, गोदी मीडिया। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ सिंह, आप देख रहे हैं मध्य भाग खड़े हैं, जहाँ पर रामचरित्र मानस को लेकर के पहले नेता दो गुट में बटे हुए थे और अब जो है जनता भी दो खेमे में बट गई है। रामचरितमानस को लेकर के कुछ लोग जो है कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए इनसे हम मिलकर बात करते हैं। क्या रामचरितमानस को आप मानते हैं? राम जी को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं या फिर नहीं? नहीं, न हम रामायण को मानते हैं, न गीता को, न बाइबल को, न अति को पुराण को, सब डुप्लीकेट है। यह सिर्फ मनोवादी या सामंतवादी आरएसएस विचारधारा के द्वारा उपज है और सारे राजनीतिक दल ए से जेड तक इसमें दोषी है। ऐसे दोषी है, सच बोलने का साहस नहीं है। अयोध्या में क्या मिला राम का, हमको बताइए, अयोध्या का जो जजमेंट हुआ क्या मिला राम का? एक झटका मिला है, एक झटका मिला है, झटका मिला है राम का। कोई प्रश्न करता है तो हम उससे बात करें कि कोई सबूत राम का मिला है अयोध्या में? साकेत बिहार के नाम से अशोक स्तंभ मिला, गौतम बुद्ध का मिला, फिर जजमेंट जबरदस्ती देकर राज्यसभा भेजा गया क्यों? ये धर्म की राजनीति देश को डुबाने के लिए है, तोड़ने के लिए है। हम अयोध्या बाद में जाएंगे, पहले बिहार की जो स्थिति है बिहार में बात कीजिए। हाँ, बिहार प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं जो कहा है उन्होंने सही कहा, विवादित बताया, क्या ये सही है? एकदम सही है। ऐसे सही है बताइए। इसलिए कि तुलसीदास का जन्म पहले हुआ था कि राम का पहले हुआ था? कुछ सामंतवादी वर्गों द्वारा एक तरफ कहते हैं सबको हिंदू, फिर मंदिर जाने पर मुख्यमंत्री मंदिर जाते हैं धुलवा देते हैं, राष्ट्रपति गए मंदिर नहीं घुसने दिए, तो कौन भगवान है, कौन हिंदू? हमको राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया गया, आपका अति गोविंद नाथ को घुसने दिए तो नहीं घुसने दिया वहाँ पर, वहाँ जो आपका उड़ीसा में मंदिर है। ये विवादित कैसे है? हम विवादित इसलिए है कि जो भी ग्रंथ अभी लिखा हुआ है वह जो प्रोफेसर साहब बोले चंद्रशेखर बाबू वह बिल्कुल सही बोले हैं। तुलसीदास जब पैदा नहीं था राम के समय में, जब देखबे नहीं किया तो कैसे रामायण लिख दिया? बीजेपी तो सिर्फ राम को ही मानती है। कौन बीजेपी मानती है? भाजपा वाले नहीं मानते राम को? अरे राम को मानता तो जय श्री राम नारा लगा के हथियार लेके घूमता। राम हथियार लेके घूमा था? हथियार लेके घूमते हैं बीजेपी वाले। तब सीता को क्या बोला जनकपुर के बारे में? यही स्मृति ईरानी मंत्री क्या बोली थी हाउस में? क्या बोला था? आप लोग पत्रकार है, आप लोग खोजिए, आप भी बताइए ना, आप भी बताइए ना। उनको आप शब्द बोला था, उनको आप शब्द कहा गया था सीता को? अच्छा, रामचरितमानस पे ब्लेम आप लगा रहे हैं तो आप बताइएगा ना कि कैसे? हम कहते हैं सीता को कैसे ब्लेम लगाया, कहाँ था मीडिया, गोदी मीडिया या सोशल मीडिया? उस समय क्यों नहीं पीछा मीडिया ने सीता पर जब आरोप लगाया था बच्चलन का? अरे राम के नाम पर कितना दिन लड्डू बांटिएगा कृष्ण के नाम पर? जगन्मोहन मोदी जी कहाँ थे? आप धर्म और ग्रंथों में नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। एक के ग्रंथ को मानते हैं? हम एक चीज को मानते हैं, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, मानवता, सच्चाई, भाईचारा, प्रेम। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। जितना राजनीतिक दल है आपको एक ही बात बोले ना, सब सिर्फ राजनीति कर रहा है, उल्लू सीधा कर रहा है, जनता मूर्ख है, इस देश का पढ़ लिख कर भी मूर्ख है, नहीं समझ पा रहा है, सब सत्ता और कुर्सी के लिए कर रहा है।